जो डिफरेंट दांत है उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सामने वाले दांत जिनको इंसाइजर्स कहते हैं। इंसाइजर्स जो है वो ऊपर चार होते हैं, नीचे चार होते हैं, टोटल आपके एट इंसाइजर्स होते हैं और उनका फंक्शन बाइट करना होता है। उसके बाद आपके केनाइन आ जाते हैं। केनाइन जो है वो आपके माउथ के अंदर सबसे शार्पेस्ट टीथ होते हैं और इसीलिए उनका फंक्शन टियरिंग होता है फूड को। इसके बाद अगर देखें तो पीछे जाके प्रीमोलर्स आते हैं। प्रीमोलर्स आपके ऊपर चार होते हैं, नीचे चार होते हैं और क्योंकि वो केनाइन्स और मोलर्स के बीच में होते हैं तो उनका फंक्शन दोनों का होता है, मतलब कि वो थोड़ा सा उसको क्रश करने में भी हेल्प करते हैं, च्यू करने में हेल्प करते हैं। और जो एंड पे मोलर्स होते हैं वो आपके दो या तीन होते हैं हर साइड के ऊपर, तो उनका फंक्शन ये होता है कि क्योंकि उनकी सरफेस थोड़ी ब्रॉड होती है तो फूड को च्यू करने में मदद करते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में बताएं। थैंक यू।